हाँ जी भाई साहब, साइकिल हो गई है सही? क्या क्या करवाया साइकिल का? लॉक भी ले लिए, अभी सारा ओके हो गया है, हैप्पी हो? आज के व्लॉग में सबसे ज़्यादा अच्छी बात और अहम बात यह है कि भाई साहब की साइकिल जो है ना अभी रिपेयर करवा के लेके आए हैं जी। मैं आपको बताता चलूँ, हैंड ग्रिप जो है इसके नए डाल गए हैं, ब्रेक का जो एक से ब्रेक हैंडल टूटा हुआ था वो नया हो गया है, इसकी बेल जो है वो नई हो गई है, ठीक है जी। ऑयलिंग वगैरह कर दी है सारी, भाई साहब लॉक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लॉक लगाया नहीं जा रहा भाई साहब, लॉक ले आए नया, चैन वगैरह को ऑयल दे दी है, जो इसकी सीट है वो नई हो गई है, ठीक है जी। तो बस अभी इज़न और शाहजीम इसके ऊपर ही स्कूल ट्यूशन जाया करेंगे, ठीक है जी। जाया करोगे? क्या स्टैंड मार दी इसने? ऐसे स्टैंड मारा जैसे हमारे घर में चोर घुस गया है। ये क्या बोंगी हो गई? हाँ जी भाई साहब, हैप्पी हैप्पी हो? हाँ जी। हैं? हाँ जी। मामा का शुक्रिया अदा कर दीजिए। पापा, मामा का शुक्रिया, पापा का शुक्रिया। इधर ना, तेरे गिर जाएगी, इधर को भी सिखाना, ऐसा ऐसा ना ऊपर बिठा। तुम्हारे पाँव नीचे लगते हैं? नहीं, उसको ऐसा ऐसा ट्रेनिंग दोगे तो हो जाएगा ना सारा, ठीक है। ठीक हो गया सारा यार मामला आज का। मैं आपको बताता हूँ किसको लॉक, हम ऐसा नहीं है आप हीट को लॉक लगा दो तो लॉक का फायदा क्या है फिर? ये देखो, ये ऐसी खड़ी हो गई, आपने इसको भाई जान ऐसे डालना है, ठीक है जी। तो आपने इसको ऐसे लॉक लगा देनी है, ये देखो इधर से खड़ो ये चीज़, ठीक है जी। ऐसे आप जब लॉक लगा दोगे उसका फिर यही मतलब होगा ना कि वो बंदा आपकी साइकिल लेके नहीं जा सकेगा, ठीक है जी। ये देखो, ये लॉक लग गया टायर से गुजार के, अभी टायर घूम नहीं सकता, ठीक है, ओके हो गया जी। हाँ जी। तो बकाया अब आपने ये ख्याल रखना है इसके चैन वगैरह का, इसको धोते हैं अभी। हाँ जी, इसको धोते हैं सरफ के साथ, ठीक है। ये की आपने जो है अपनी पास रखनी है, एकदम से साइकिल जो है ना अपने शाहजीन की न्यू हो गई है, बल्कि है ही न्यू थी, ऊपर छत पे खड़ी खड़ी जो है ना पूरी तबाह हो गई। अभी इसका क्या रह गया, इसका पेंट रह गया, पेंट की जो स्प्रे की बोतल मैं लेके आऊँगा, इसका स्प्रे करेंगे इसके व्हीलों के ऊपर और सीट पे। क्या साइकिल करेगा, साफ करा करेगा। चलो जी, इज़न इसको साइकिल को डेली कपड़ा मारे करेगा, ठीक है। नहीं, हाँ मैं ना इसके ऊपर पानी डालूंगा, शादी शैम्पू लगाएगा। चलो जी ठीक है, शैम्पू इज़न का होगा बस। इज़न जो है ना वो साइकिल के पीछे बैठे करेगा, भाई आगे बैठ के चलाएगा, इज़न का बैग और शाहजीब का बैग पीछे होगा, इज़न आगे बैठे करेगा, ठीक है। हाँ हाँ जी ठीक है जी। ये अच्छा, आपको स्टैंड का बदल, इसका लॉक भी लगता है। हाँ जी, ये देखो, ये इसका लॉक है, ठीक है जी, लॉक लग गया, ये इसका लॉक निकल गया, ठीक है जी। भाई की साइकिल हो गई रेडी जी, लाओ पानी मार दीजिए अभी ना, मैं कह रहा हूँ कि खाली कपड़ा ना मार दे। नहीं यार बाबा, धो ही देते हैं यार, गंदी बड़ी हो गई है। अच्छा चलो जी, इधर खड़ी करते हैं इसको यार, इसका कवर भी डलवा ही लेते ना, सीट कवर जो है। चलो कोई नहीं, फिर डलवा लें। चलो जी, ये लो भाई साहब, हमारा काम पूरा हो गया। चलिए हम तो
नहीं दोस्तों नहीं, बात अभी साइकिल पे उसको धोने से वॉश करने से वहाँ पे बात ख़त्म नहीं है, बात अभी आगे भी स्टार्ट है। आके अपने परिंदों को देखना है। सबसे पहले नहाने लगा था, कपड़े चेंज करने थे, कल की वीडियो भी इन्हीं कपड़ों में बनी है और आज भी अभी तक यही पहने हैं। तो आप लोग कहेंगे कि भाई ये क्या मामला था, मामला यही है कि स्लीपिंग सूट था, रात को पहन के सो गया, सुबह उठ के जो है कपड़े चेंज करने से पहले बारिश पड़ गई, बारिश में मैंने सोचा कि अभी चेंज नहीं करूँगा, पहले साइकिल जो है रिपेयर करवा के लाऊँगा, क्योंकि अपने शादी के साथ संडे का प्रोग्राम था कि साइकिल रिपेयर हो जाएगी। सुबह से उठते साथ ही वो पीछे लग गया, कपड़े चेंज करने की इसलिए ज़रूरत नहीं आई। तो अभी व्लॉग उसी में बन रहा है। अभी नमाज़ पढ़ने से पहले एक बार जो है इनको जगह दिखाता हूँ, वो जगह साफ़ करनी पड़ेगी, उसके बाद कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो मामला ये है, ये देखें आपके सामने, यानी कि अभी परसों मैंने सफाई की है, बारिशों का मौसम है, परिंदे बार बार बेचारे डिस्टर्ब हो रहे हैं मेरे, मैं क्या करूँ, परेशान हूँ कि बस ऊपर इनकी छत नहीं है, पानी सारा नीचे जाता है, वो अंदर भी चला जाता है, सारा रिपेयर करना पड़ेगा। अभी इनके लिए अबू ने ये देखें रोटियों के जो है ना छोटे छोटे पीस किए हैं, जिन्होंने सी भोरे कहने हैं, भोरे पाने इन्होंने, ठीक है, पानी चेंज करेंगे, बारिश का गंदा पानी इनमें चला गया है, क्योंकि पाँव डालते हैं पानी गंदा हो जाता है, तो वो अभी सारा चेंज करेंगे। ठीक है जी, आज का संडे ऐसा ही है यार, तो आज का संडे हमारा ऐसे ही गुजरेगा, बस अपना सिल्की इसकी भी आज जगह साफ करने वाली है, बड़े काम है यार, सारा दिन ऐसी पहले जाके इनका पानी भर के लाते हैं जी, पानी लाएंगे, इनको पानी डालते हैं साफ फ्रेश। अच्छा, जो रोटियों के भी छोटे छोटे पीस किए थे ना, बड़े शौक से खा रहे हैं यार, वेरी गुड हो गया, और मुझे डाउट था कि ये नहीं खाएंगे, फर्स्ट टाइम इनको डाले हैं और मज़े से खा रहे हैं, इसे समझ आती है कि ये खाना पसंद करेंगे, नेक्स्ट इनको डालेंगे, अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, सिल्की की जान को वक्त बड़ा हुआ जी, मुझे क्यों नहीं छोड़ रहे, ये करो वो करो, बस लाइफ यही है।